देखिए सभी छात्रों को राधे राधे। देखिए मैंने तुम्हारे पिछले वीडियो में जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है उसके बारे में मैंने तुमको सबको बता दिया था कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। पता है तुमको सबको? नहीं पता? जो भी हमारे पास नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है, न्यूक्लियनों की जो बंधन ऊर्जा होती है, वो उसी की द्रव्यमान संख्या के भाग देने पर जो प्राप्त राशि होती है वो क्या होती है? अपने पास प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है। क्लियर? देखिए मैंने बताया था डेल ई बी बराबर क्या बताया था? ई बी अपॉन ए। ये तो क्या होती है अपने पास? प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा। और जो अपने पास ई बी होती है वो क्या होती है? नाभिक की बंधन ऊर्जा। और ए होता है अपने पास द्रव्यमान संख्या। क्लियर? तो मैं इससे ये निकल सकता है कि नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है उसमें उसी की द्रव्यमान संख्या से क्या देने पर, भाग देने पर जो हमें जो प्राप्त राशि होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर? आज अपन पढ़ेंगे कि नाभिकीय बल क्या होता है। हेडिंग डालिए नाभिकीय बल। हेडिंग डालिए नाभिकीय बल। देखिए तुमने पहली पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि नाभिकीय बल कौन सा बल होता है। देखिए नाभिकीय बल जो होता है वो प्रकृति में सबसे प्रबल होता है। कैसा होता है? सबसे प्रबल होता है। और जो नाभिकीय बल होता है वो न्यूक्लियनों के मध्य लगता है। किनके मध्य लगता है? न्यूक्लियनों के मध्य लगता है। और न्यूक्लियन बताए थे कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको कहते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को ही क्या कहते हैं, या प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है? न्यूक्लियन कहलाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो नाभिकीय बल होते हैं वो न्यूक्लियनों के मध्य लगते हैं। क्लियर? जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन दोनों के मध्य, इन सभी के मध्य कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल लगता है। क्लियर? जो भी अपने पास इनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो कौन सा बल कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। क्लियर सबको? चलिए लिखिए, इसमें लिखिए नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे प्रबल बल होता है तथा यह आकर्षण बल न्यूक्लियनों के मध्य न्यूक्लियन लिख लेना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यह आकर्षण बल न्यूक्लियनों के मध्य लगता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं।
प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले नाभिकीय बल परिमाण में समान होते हैं तथा नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं होते हैं या करते हैं। न्यूक्लियोनों के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी एक फर्मी नाभिको न्यूक्लियोनों के मध्य की दूरी एक फर्मी या कम होने पर नाभिकीय बल एक फर्मी या कम होने पर नाभिकीय बल प्रतिकर्षी हो जाते हैं प्रतिकर्षी हो जाते हैं। नोट डाउन करिए, जल्दी करिए। देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो नाभिकीय बल होते हैं वो प्रकृति में क्या होते हैं, सबसे प्रबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यह न्यूक्लियोनों के मध्य लगते हैं और हम जानते हैं कि न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों का योग। क्लियर? तो हमारे पास बताया था कि जो न्यूक्लियोनों के मध्य लगता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले जो भी नाभिकीय बल है वो परिमाण में क्या होता है, समान होता है। तथा जो भी अपने पास न्यूक्लियोनों के मध्य की दूरी होगी जो एक फर्मी या उससे कम होगी तो वो नाभिकीय बल के प्रति क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षी हो जाते हैं। क्लियर? या जुड़ जाते हैं। क्लियर? चल आगे आता है अपने पास रेडियो एक्टिवता। अगले हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिवता। अगला हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, और ये सब जानते हैं कि हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। किसकी? रेडियो एक्टिवता की खोज। क्लियर? देखिए, रेडियो एक्टिवता में हमारे पास जो भी हमारे पास जितने भी भारी तत्व हैं, जैसे है यूरेनियम है, यूरेनियम क्या होता है, 92 यूरेनियम 235 होता, नहीं होता, होता है। देखिए, अपने पास जो भी अपने पास भारी तत्व है, यूरेनियम है, थोरियम है,
पोलोनियम है, ये सभी तत्व कैसे होते हैं? भारी तत्व होते हैं। या इनसे ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास भारी तत्व होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम आदि, ये अपने विकिरण उत्सर्जित करके ये अपने क्या करते हैं, स्वतः विघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वतः विघटित हो जाते हैं। और स्वतः विघटित होने के पश्चात इनकी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई नया नाभिक ना बन जाए। क्लियर? ये अपने विकिरणों या कणों को आपस में विघटित तब तक करते रहते हैं जब तक कि कोई नया नाभिक बन ना जाए। क्लियर? यही अपने पास रेडियो एक्टिवता कहलाती है। क्या बोलोगे कि जैसे भारी तत्व हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियनम है, पोलोनियम है, इन सभी के कण या विकिरण आपस में विघटित होते हैं तथा विघटित तब तक होते रहते हैं जब तक कि कोई नया नाभिक ना बन जाए। ये क्या कहलाता है? अपने पास रेडियो एक्टिवता कहलाता है। क्लियर? लिखिए इसमें, देखिए भारी तत्व, देखिए भारी तत्व जैसे जैसे यूरेनियम कॉमा थोरियम, भारी तत्व जैसे यूरेनियम थोरियम आदि कण या आदि कण या विकिरण का स्वतः विघटित करते हुए उत्सर्जन करते हुए विघटित होते हैं। स्वतः उत्सर्जन करते हुए विघटित होते हैं। विघटन की इस प्रक्रिया के दौरान नए नाभिकों का निर्माण, विघटन की इस प्रक्रिया के दौरान नए नाभिकों का निर्माण होता है जो स्वयं भी रेडियो एक्टिवता को दर्शाते हैं। क्या लिखा है कि जो भी अपने पास भारी तत्व हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है आदि कण या विकिरण, जो अपने पास स्वतः उत्सर्जित होते हुए विघटन की इस प्रक्रिया के दौरान नए नाभिकों का निर्माण करते हैं। मैंने यही तो बताया था कि जो भी भारी तत्व हैं यूरेनियम है, थोरियम है, ये सभी या कण या विकिरण उत्सर्जित करते हैं और उत्सर्जित करने के पश्चात इनकी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है कि जब तक कोई नया नाभिक ना बन जाए। क्लियर? इनसे ही मेरी बात यही स्पष्ट होती है कि जैसे देखिए यूरेनियम थोरियम आदि कण या विकिरण क्या हो रहे हैं, स्वतः उत्सर्जित हो रहे हैं और स्वतः उत्सर्जित होने पर क्या हो रहे हैं, विघटित हो रहे हैं और विघटित होने के पश्चात इस प्रक्रिया के दौरान क्या बन रहा है, नया नाभिक बन रहा है। तो आप ये लास्ट कह दोगे कि जब तक इनकी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई नया नाभिक ना बन जाए। और ये स्वयं जो नए नाभिक बनते हैं वो स्वयं में अपने पास क्या दर्शाते हैं, रेडियो एक्टिवता को दर्शाते हैं। क्लियर? चलिए, रेडियो एक्टिवता को दर्शाते हैं। यह प्रक्रिया
तब तक जारी रहती है, तब तक जारी रहती है, तब तक जारी रहती है जब तक कोई नए नाभिक का निर्माण न हो जाए, नए नाभिक का निर्माण न हो जाए। हेनरी बेकरल ने नीचे लिखे, हेनरी बेकुरल ने, हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। रेडियम पोलोनियम वे यूरेनियम से अधिक रेडियो एक्टिवता दर्शाते हैं। यूरेनियम से अधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। रेडियो एक्टिव विकिरण अल्फा बीटा वे गामा होती हैं। नोट डाउन करिए, ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी नहीं है। अगर एक बार तुमने ध्यान से पढ़ लिया तो लास्ट तक भी नहीं भूलोगे, इसमें कुछ नहीं है। रेडियो एक्टिविता में तुमको क्या बताना है कि जो भी अपने पास भारी तत्व हैं या उनके कण या विकिरण है, वो पहले तो क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, और उत्सर्जित होने के पश्चात क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, और टूटने के पश्चात इनकी प्रक्रिया तब तक जारी रहती है कि जब तक कोई नए नाभिक का निर्माण ना हो जाए। क्लियर? और रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। और जो हमारे पास पोलोनियम है, रेडियम है आदि जो भी अपने पास है, वो क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। और जो हमारे पास रेडियो एक्टिव विकिरण होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर? चलिए, अगला हेडिंग डालिए, रदरफोर्ड सोडी या रेडियो एक्टिव छे नियम। इसमें लिखिए, किसी समय रेडियो एक्टिव नाभिकों की छेदर माइनस
dn अपॉन dt, छेदर माइनस dn अपॉन dt उस समय उपस्थित, उस समय उपस्थित सक्रिय। देखिए इसमें तो अपन ने छेदर लिया है और इसमें जो अपने पास, जो हमारे पास उस समय उपस्थित सक्रिय क्या लेंगे, ए ए ए छयित, ए छयित सक्रिय, ए छयित रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या एन के समानुपाती होता है। रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या एन के समानुपाती होता है, एन के समानुपाती होता है। तो देखिए जो हमारे पास रदरफोर्ड सोडियम रेडियो एक्टिव छह नियम है वो क्या कहता है कि किसी समय रेडियो एक्टिव नाभिकों की छेदक कितनी ली है अपने, माइनस डी एन अपॉन डी टी, उस समय उपस्थित सक्रिय या उसको क्या बोलते हैं, अछयित बोलते हैं, वो अपने नाभिकों की संख्या एन के क्या होती है, समानुपाती होती है। वही क्या होता है अपने पास, रदरफोर्ड सोडियम रेडियो एक्टिव छह नियम होता है, या ऐसे बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव की छह दर या अछयित दर एन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस डी एन अपॉन डी टी समानुपाती कितना हो जाएगा, एन। क्लियर। तो अपने पास माइनस डी एन अपॉन डी टी बराबर क्या मान लिया अपन ने, इसको स्थिरांक लैम्डा एन, इसकी जगह अपन ने समानुपाती के स्थान पर क्या लगा लिया, लैम्डा। लैम्डा क्यों माना, क्योंकि लैम्डा को अपन किसके नाम से जानते हैं, छायांक के रूप में जानते हैं। तो ये माइनस डी एन अपॉन डी टी क्या हो गई, रेडियो एक्टिवता की छेदर, एन क्या हो गई, नाभिकों की संख्या। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेडियो एक्टिव की जो छेदर है वो नाभिकों की संख्या एन के क्या होता है, समानुपाती होता है। वही क्या होता है, रेडियो एक्टिव छह नियम होता है। तो माइनस डी एन अपॉन डी टी इस समानुपाती के स्थिरांक को हटाएंगे तो अपन कोई ना कोई स्थिरांक लगाएंगे तो बराबर लैम्डा एन। क्लियर। तो अपने पास इसका समीकरण वो ऐसे लिख देना, इसको डी एन अपॉन डी टी बराबर माइनस लैम्डा एन, नीचे लिख देना ऋणात्मक चिन्ह, यहां लिख देना ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या समय के साथ घटती है। यहां लैम्डा क्या होता है अपने पास, या तो उसको नियतांक मान सकते हैं या उसको छायांक मान सकते हैं। क्लियर। नियतांक या छायांक, जल्दी उतारिए। आगे देखिए, जब इसको अपन हल करेंगे तो इसको अपने पास यहां पे लिखना है समीकरण एक से कितना आ जाएगा अपने पास, बताइए, डी एन बराबर माइनस लैम्डा एन इंटू डी टी, माइनस लैम्डा एन इंटू डी टी। तो अपने पास कितना आ जाएगा, डी एन अपॉन एन का पक्षांतरण कर दिया, एन बराबर माइनस लैम्डा इंटू डी टी माइनस लैम्डा इंटू डी टी। नीचे लिख देना प्रारंभ में नाभिकों की संख्या,
प्रारंभ में नाभिकों की संख्या n0 तथा t समय पश्चात नाभिकों की संख्या n हो तो नीचे लिख देना समाकलन करने पर। तो जब इसका समाकलन करेंगे अपन तो अपने पास क्या आ जाएगा बताइए। तो अपन जब इसका समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन, इसकी नाभिकों की संख्या शुरू में कितनी है n0 से कहां तक चल जाएगा, t समय पश्चात कितनी होगी संख्या n0 से n 1/n n to dn बराबर इंटीग्रेशन लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से t into dt। क्लियर? तो अपने पास क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि चूंकि 1/x into dx बराबर कितना होता है अपने पास log ex बराबर कितना होता है log x। अब इससे जब अपन इसको तोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, अपने पास आ जाएगा log en की पावर कहां से कहां तक है n0 से n बराबर कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा, ये मान इस तो तुम्हारा शुरू से चलता आ रहा है ना, माइनस लैम्डा कितना आ जाएगा टी की पावर 0 से टी। तो अपने पास कितना आ गया यहां से लॉग ई एन माइनस कितना आ गया लॉग बेस ई एन 0 बराबर कितना आ गया अपने पास माइनस लैम्डा टी। तो हम जानते हैं कि चूंकि log ea माइनस log eb बराबर अपने पास कितना होता है log बेस ई ए अपॉन बी। अब इसको अपन इस सूत्र के माध्यम से क्या लिख सकते हैं बताइए, अपने पास आ गया log e n अपॉन n जीरो बराबर माइनस लैम्डा टी। यही क्या होती है अपने पास रदरफोर्ड सोडी या रेडियो एक्टिव छेनी। क्लियर? एक बार अपने खुद के हाथों से निकाल के देखना, अगर समझ में नहीं आया कुछ भी बात तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता देना। और यहां पे लिख लेना कि चूंकि log ex बराबर y और x बराबर क्या होता है e की पावर y। क्लियर? चलिए।